बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें हमारे YouTube चैनल। मैं हूँ ज़ैद कैसर। मैं हूँ शाल कैसर। मैं हूँ आलिया कैसर। आज हम आपको अपने आगे दिखाएंगे एक न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे पापड़, वो भी नमक में, जिसके अंदर हम घी ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो आप घी से और ऑयल से पापड़ बनाते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। जो बाइक से या मार्केट से लाते वो सेहत के लिए बिल्कुल नहीं ठीक होते। उससे गला खराब होता है, बुखार चढ़ता है। आप जैसे हम नमक में पापड़ बना रहे हैं, आप भी वैसे नमक में पापड़ बनाए। तो व्यूअर्स, अब हम शुरू करते हैं। शाम में सबसे पहले कढ़ाई पर ये ले भाई। कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर रखे वहाँ हम ये नमक पकड़ाए। अब हम ये सारा नमक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे। और व्यूअर्स, अब हम नमक का अच्छी तरह गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो व्यूअर्स, नमक अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पापड़ डाल देंगे कच्चे। तो अब हम इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। भाई देखिए, पापड़ बहुत जल्दी बड़े होते जा रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आती जा रही है। तो व्यूअर्स देखिए, पापड़ अच्छी तरह पक चुके हैं। पहले हम इनको निकाल लेते हैं। हमने रंगीन पापड़ बनाए थे, हम वाइट बनाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे के बनते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे पापड़ तो अब काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं और अब हम इनको शाल वाने पर चेक कराएंगे और हम नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे। सारे आप चेक करें। भाई बहुत अच्छे हैं, थोड़े से और बना दे, बहुत मज़े के हैं, बहुत भाई बहुत। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आएंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।